नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। श्री मोदी ने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। सबके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास का संकल्प दोहराया। श्री मोदी ने सेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भी पुरुष अधिकारियों के समान अवसर देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार ने किसानों को फसल का अधिक समर्थन मूल्य दिलाने का वायदा पूरा किया। देश और विदेशों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। केरल में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोची हवाई अड्डे से शनिवार तक उड़ानों का परिचालन स्थगित। ओडिशा में भारी वर्षा का पूर्वानुमान। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। 72वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है गरीबों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इससे 50 करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश के वैज्ञानिकों पर गर्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री, बेटा हो या बेटी, वर्ष 2022 तक गगनयान से अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सेना में अल्पकालिक सेवा की महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन के अवसर दिए जाएंगे। मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि समाज और देश को दुष्कर्म की कुत्सित मानसिकता से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसे खत्म होने देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिए सामाजिक न्याय और तेजी से प्रगतिशील भारत का निर्माण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि संसद के हाल के संपन्न मॉनसून सत्र सामाजिक न्याय को समर्पित सत्र रहा है। संसद के ये सत्र पूरी तरह सामाजिक न्याय को समर्पित है। हमारी संसद ने संवेदनशीलता और सजगता के साथ सामाजिक न्याय को और अधिक बलवत्तर बनाया। ओबीसी आयोग को सालों से संवैधानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी। इस बार संसद ने पिछड़े अति पिछड़ों को उस आयोग संवैधानिक दर्जा दे करके उनकी हकों की रक्षा करने का प्रयास किया। स्वाधीनता दिवस पर अपने 5वें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान संघों से लेकर कृषि विशेषज्ञ और राजनीतिक दल किसानों को लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग कर रहे थे। उनकी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया। इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे, किसान संगठन मांग कर रहे थे, किसान मांग कर रहा था, राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। सालों से चर्चा चल रही थी, फाइलें चलती थी, अटकती थी, लटकती थी, लेकिन हमने फैसला लिया, हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। श्री मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की सफलता और इसे साकार करने के लिए व्यापारी समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पास राष्ट्रहित में कड़े निर्णय लेने का सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शांति होने से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून पूरी तरह से हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहले दिल्ली दूर थी, लेकिन पिछले चार साल में दिल्ली पूर्वोत्तर के दरवाजे पर आ गई है। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवान वहां बीपीओ खोल रहे हैं, आज हमारे शिक्षा संस्थान नए बन रहे हैं, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बन रहा है, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मेजबानी कर रहा है। जम्मू कश्मीर का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की राह दिखाई थी। वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन मूल्य मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर वैली हो, संतुलित विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले, इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ना चाहते। हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन की मांग दशकों से लंबित थी, उनकी सरकार ने इसे लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के प्रयास कर रही है, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार भ्रष्ट लोगों और कालाधन रखने वालों को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने देश को बर्बाद किया है। स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सेना, नौसेना और वायुसेना विंग के 16 स्कूलों के राष्ट्रीय कैडेट कोर के 700 कैडेटों ने इस ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार के 100 से ज्यादा स्कूलों के 8000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा भारत का निर्माण किया गया। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से भी मिले। इस भव्य कार्यक्रम का समापन तिरंगे के रंग के गुब्बारों को छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज? भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहे। किचन में क्यों, कोमल बिटिया का है? कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी। मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में? अजय जी ये क्या कर रखा है? कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। माशा जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें जाने की जगह तो जरूरी मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें, बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचें। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। ये आकाशवाणी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुए। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल एनएन वोरा ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव सितंबर में कराने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के नव भारत अभियान से जुड़ने की अपील की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान के तहत 9 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राजधानी लखनऊ स्थित विधान भवन में झंडारोहण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा देश दुनिया के उन सबसे पुराने राष्ट्र में से एक है जिसका गौरवशाली अतीत और संस्कृति है। आजादी की 72वीं वर्षगांठ पर प्रदेश सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 72 कैदियों को छोड़ने का भी फैसला किया है। आज पूरे प्रदेश में सरकारी मशीनरी और आम जनता साथ मिलकर ऐतिहासिक वृक्षारोपण अभियान में जुटी हुई है। पहली बार आजादी के बाद राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन के दरवाजे भी आम लोगों के लिए खोले गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के खानापाड़ा में ध्वजारोहण किया।
उन्होंने कहा कि असम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि असम सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि एनआरसी से कोई भारतीय नागरिक का नाम शामिल होने से रहना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बात पर भी नजर रखेगी कि कोई भी अवैध नागरिक एनआरसी में शामिल न हो पाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे असम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। अन्य राज्यों से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने की खबरें मिली हैं। विदेशों में हजारों भारतीयों ने आज स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। नेपाल में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम काठमांडू में भारतीय दूतावास में आयोजित किया गया। भारतीय दूतावास पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ था। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद राजदूत पुरी ने राष्ट्रपति का संदेश पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर नेपाल के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और गैर लाभकारी धर्मार्थ संगठनों को पुस्तकें, एम्बुलेंस तथा बसें उपहार दी गयी। छात्रों और नेपाली सेना के बैंड ने शानदार देशभक्तिपूर्ण गीतों से स्वाधीनता दिवस के उत्साह को और बढ़ा दिया। वीरगंज में भारत के महावाणिज्य दूत बीसी प्रधान ने तिरंगा फहराया। राजकुमार, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। चीन की राजधानी पेचिंग में भारत के राजदूत गौतम बंबावाले ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में भारतीय उच्चायोग में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने व्यक्तिगत कारणों से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकार से राजनेता बने श्री आशुतोष ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक से 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही हो क्या? हाँ जी आंटी जी, सब ठीक होगा। तो बस पहला घंटा याद रखना। पहला घंटा याद है ना? हाँ जी आशा दीदी। पहला घंटा पिला दिया माँ, पिला दिया। पहले एक घंटे में माँ का पहला दूध बनाए बच्चे को अंदर से मजबूत, बीमारियों से लड़ने के लिए। क्यों? माँ का दूध फायदे खूब। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर, हम तुझे पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या मतलब? पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे, घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे, मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे, हम मच्छरदानी में सोएंगे, हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरल में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार वर्षा होने के कारण एक बार फिर चट्टाने खिसकने की खबर है। बाढ़ आने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। 94 वर्षों में इतनी अधिक बाढ़ कभी नहीं आई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोची हवाई अड्डे में विमानों का संचालन शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने बताया कि अन्य हवाई अड्डों से विमानों की उड़ान जारी है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पानी निकालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ानें तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से जारी रहेंगी। बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण कोची हवाई अड्डे को अगले 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच वर्षा से उत्पन्न स्थिति के आकलन के लिए मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। तिरुवनंतपुरम से शमीला की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से मैं दिवाकर। ओडिशा में भी भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। श्री मोदी ने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। सबके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास का संकल्प दोहराया है। और श्री मोदी ने सेना में महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को भी पुरुष अधिकारियों के समान अवसर देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।